नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने कहा कि बरगदवा कौवाबाग जेल बाईपास फोरलेन मार्ग और पादरी बाजार चौराहे पर बन रहे फोरलेन फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी कार्यों को जनवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कार्यों में दिक्कत आ रही है तो किसानों से बात कर समस्याओं का समाधान किया जाए। इस अवसर पर डीएफओ विकास यादव, सीडीओ संजय कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरव ग्रोवर व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शनिवार की रात महानगर के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने रेलवे स्टेशन गोरखनाथ झूले लाल कचहरी रैन बसेरा के एक औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरों में रुके नागरिकों से बात की और उनसे यहां आने का कारण पूछा। एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि रैन बसेरों के रजिस्टर को चेक किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपराधी यहां पर क्राइम करने के उद्देश्य से आकर रुका है। जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि एसएसपी गोरखपुर के साथ ज्वाइंट रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इसमें ये देखा गया है कि किस प्रकार से रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टि से सबके आई कार्ड व आधार कार्ड को चेक किया गया और देखा गया कि कोई आपराधिक व्यक्ति इन रैन बसेरों का उपयोग तो नहीं कर रहा है। रैन बसेरों में रुके नागरिकों से फैसिलिटीज के बारे में जानकारी ली गई और जो लोग सड़क पर सोते हैं उनको रैन बसेरों में पहुंचाया गया और उनको ठहरने के लिए सभी सामग्री दी गई। इस अवसर पर एएसपी सीओ कैंट मानुष पारिक, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह, कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा, रेलवे चौकी प्रभारी महेश चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए एसएसपी सर के साथ आज हमने ज्वाइंट एक विजिट किया, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, हमारे लोकल एसएचओ सीओ और हमारे अपर नगर आयुक्त और हमारे जो निर्माण विभाग के जेई एक्सएन हैं, वो सब देखा गया कि किस तरीके से इन रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से सबके आई कार्ड, सबके आधार कार्ड चेक किए गए और जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोई भी क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति इन रैन बसेरों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, इसके बाबत एसएसपी सर के साथ निरीक्षण किया गया। और भी जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई आवश्यकता तो नहीं है, उस सब का निरीक्षण किया गया। और जो सड़क पे जो लोग सोते हैं उनको भी बताया गया, उनको पहुंचाया गया कि रैन बसेरों में सोया जाए। तो एसएसपी सर के साथ आज हमने 3-4 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सर, रैन बसेरों की स्थिति का भी जायजा लेके क्या पाएगा? अधिकतर सुविधाएं सबको, जो बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, बुनियादी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। सबको बेड है, सबको पास रजाई कंबल की सुविधा है, गर्म पानी की सुविधा है, शौचालय वगैरह सब हैं। और जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी निर्देश। स्वर सागर संस्थान के द्वारा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद से 100 से ज्यादा महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि यह बहुत ही अच्छा कार्य है। पीएम मोदी के संसद में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर का बिल आया है, वहां पर 33% आरक्षण होगा। पूरे देश में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर में यह सुंदर कार्यक्रम करवाया गया, यहां पर आकर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं। यहां पर हर घंटे में 100 महिला सम्मानित होंगी, इसमें अगल बगल के जिलों की महिलाएं भी शामिल हो रही है। यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो कि आरएसएस व भाजपा के साथ जुड़कर अच्छा कार्य कर रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल में हो रहा है, इसी को राम राज्य कहते हैं। यहां महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है और कुचला जाता है, आज महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिला को पुरुषों के साथ उसी श्रेणी में रखा जा रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ओम चंद्रमा।
अभी हम लोग खरीद रहे हैं। ऐसा बारी बारी आएंगे तो सबकी फोटो आ जाएगी। ऐसे आप हमारी सभी सखियों, मैं चाहती हूँ कि एक बार गरिमा बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, ये बहुत सुंदर सोच रहती है और हमारी ये सनातनी सोच है कि आज महिलाओं का सम्मान, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में 33% ऑफ रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिए, जम्मू कश्मीर का बिल आया 33% रिजर्वेशन वहां पर भी होगा, तो हमारे यहां जैसे आज मेरी बेटियां हैं या पूरे देश में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, गोरखपुर में ये सुंदर कार्यक्रम करवाया गया जहां पर मुझे सम्मिलित किया गया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं और एक 100 महिला हर एक घंटे बाद यहां पर जुड़ेंगी, तो पूरे जिले की महिला अगल बगल से भी आ रही है। अगल बगल के जिले की महिलाएं भी आ रही है और उनको अपने जीवन में जैसे उन्होंने योगदान दिया है समाज सेवा में, उन सारी महिलाओं को सम्मान रखने के लिए ये हमारी विचारधारा वाली संस्था है और वो विचारधारा की संस्था हमेशा वो आरएसएस संघ से जुड़ी रही संस्था, भाजपा से जुड़ी रही और मानवता से जुड़ी हुई संस्था है। ये मेरे नए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। इसी को रामराज्य कहते हैं, जहाँ महिलाओं को हमेशा दबाया जाता था, कुचला जाता था, आज महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, पुरुषों के साथ उसी श्रेणी में रखा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य, मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब भी महिलाओं के प्रति कोई भी सोच या कोई भी कार्यक्रम होता है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसमें अखिल क्षेत्रीय महासभा का मंडल कार्यकारिणी का गठन सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में अखिल क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कालिका सिंह ने बताया कि अखिल क्षेत्रीय महासभा के मंडल पदाधिकारियों की घोषणा की जा रही है। ये सभी पदाधिकारी क्षेत्रीय समाज के शिक्षा व उत्थान के लिए कार्य करेगी। हम लोग ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही सदस्यता अभियान चलाएंगे, उनके घरों पर जाएंगे। हमको समाज में एक संदेश देना है कि हमारी राजनीतिक आर्थिक की दृष्टि से भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कालिका सिंह ने कहा, आज हम लोगों का अखिल क्षेत्रीय महासभा के संगठन के विस्तार को लेकर के प्रदेश मंडल जिले के विभिन्न प्रकोष्ठों को लेकर के उनके पदाधिकारियों की घोषणा की जा रही है, जिसमें आज सबको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और क्षत्रिय समाज के लिए, उत्थान के लिए, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के ये अखिल क्षत्रिय महासभा कार्य निरंतर कर रही है और ग्राम पंचायत स्तर तक इस संगठन को मजबूत करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और संगठनात्मक ढांचे के विस्तार करके हम ग्राम पंचायत स्तर तक अपने संगठन को खड़ा करने का कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर तक हम जा करके सदस्यता के माध्यम से एक एक व्यक्तियों के दरवाजे पे जा करके उनको साधारण सदस्यता के माध्यम से जोड़ कर करके उनके बायोडाटा को इकट्ठा करके समाज में इस बात का संकेत देना है हमको, जो हमारी आज राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की भागीदारी कम होती जा रही है, आरक्षण की मार को लेकर के प्रतिभाशाली नौजवानों का जो दमन हो रहा है, इस संख्या बल के आधार पर हम अपनी संख्या को मूल रूप से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, जहां ये कहा जाता है कि हमारी भागीदारी शून्य के बराबर है और समाज में भागीदारी शून्य होने के नाते आज समाज में हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ये दुखद पहलू है कि अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास समिति में हमारी भागीदारी नहीं हुई कि जबकि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे वंशज हैं और उन्हीं के न्यास निर्माण समिति में आज हमारी भागीदारी नहीं है, तो यह हमारे लिए एक दुखद पहलू है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कालिका सिंह। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट शब्द संवाद कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनु कपूर पहुंचे। इस दौरान एक्टर अनु कपूर ने बेबाकी से सभी नागरिकों के सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि उनका नाम पहले अनिल कपूर था तो कितनी दिक्कत होती थी, तब उन्होंने कहा कि अनिल कपूर बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो हमसे छोटे हैं लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज में 2 साल पहले आ गए थे, तब मुझे किसी ने सलाह दिया
तो मैंने अपना नाम अनूप कपूर रख लिया। उन्होंने कहा कि हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज के समय में टेक्नीशियन ने सबको बिगाड़ दिया है, लेकिन माता पिता के बिना कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जितना संभव हो सकता है सत्य बोलता हूँ। दो तीन चीजें हैं कि सर ऐसी बात है कि सत्य जितना संभव है उतना ही बोल देता है, पहली बात। दूसरी बात, सच बोलने का सारा ठेका मैंने तो नहीं दे रखा। और तीसरी बात कि कुछ ऐसे जख्म भी दर्पण पर हमने खाए हैं, कुछ ऐसे जख्म भी दर्पण पर हमने खाए हैं जो हमने अपने जमीन बमुश्किल बचा के लाए हैं और सफर पे निकले हैं बहुत एहतराम के साथ। सफर पे निकले हैं बहुत एहतराम के साथ, हम अपना कफन घर से साथ लेके। सरफरोशी की तमन्ना, आपने कभी सोचा है केसरिया पालमा गज गई हमारी आंगड़ी सेंसिटिविटी है मुझे नहीं मिली। मैं कृष्ण आपने बालिका हो क्या, 4 वर्ष की हो, आज यहाँ बैठी हुई जो बालिका है भविष्य की संभावित माता है, और माता केवल पूजनीय होती है, इसके अलावा और मिड रास्ता नहीं है। इसलिए यहाँ बैठी हुई जितनी देवियां हैं उन सबके चरणों में सादर चरण स्पर्श करता है, क्योंकि तुम ही जननी हो, संसार तुमसे ही चलता है और तुम्हारा ही सबसे ज्यादा तिरस्कार और अपमान किया जाता है। ये बहुत पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। एनीवे, तो माता से बड़ी कोई हस्ती है ये, माता पिता को ध्यान रखना भैया। माता पिता आपके लिए जन्म ही नहीं देते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के 99.9% कोशिश करते कि उनकी संतानें सुखी रहे। यार प्लीज पिताजी को कुछ भी बोलो, डैडी बोलो, अटी चप्पल पहन के तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लाते हैं। भैया क्या नाम बेटा आपका, श्याम श्याम
अरे शाम तेरी मीरा लड़ी तो मेरे थकन ने छीन डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ। काम तो मेरे थकन ने छीन डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ। आंसुओं से जन्म देने का खुशी को एक मंदिर के लिए सजल रहा हूँ। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना परिसर में थानाध्यक्ष सुनीता सिंह की अगुवाई में वाहनों की नीलामी की गई। आपको बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में नीलामी कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 7 प्रतिभागियों ने नीलामी आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान 12 दो पहिया वाहनों की नीलामी कराई गयी। कुल मिला के 3100 रुपया लालू 300 रुपया में आपकी कोई समस्या है? अच्छा बनाने तो कब बैठे चाहे तो जमानत राज सभी ने जमा कर दी है। देखो पहले वाली बात